आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी ने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद भाजपा मजबूत स्थिति में आ गई है। विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ गई है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा जिले की परासिया विधानसभा सीट पर अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद भाजपा नेता अनुज पाटकर ने गोंडवाना पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा ने आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनाकर पूरे समाज को गौरवान्वित किया है। आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। हमारी सरकार ने आदिवासी हितों का ध्यान रखते हुए अलग अलग योजनाएं बनाई और आदिवासियों के उत्थान के लिए पैसा एक्ट जैसा कानून भी इस मध्य प्रदेश में लागू किया और वहीं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में आदिवासी समाज से निकालकर राष्ट्रपति बनाकर आप सभी समाज को भी गौरवान्वित करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की इन सारी बातों से प्रभावित होकर गोंडवाना अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी ने आज भारतीय जनता पार्टी की बहन ज्योति डहरिया जी को इस विधानसभा चुनाव में अपना समर्थन देने की घोषणा करी और आप भारी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उपस्थित है। वहीं अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी पर जिला कार्यवाहक अध्यक्ष व्रजमोहन विश्वकर्मा ने कहा कि यहां गोंडवाना पार्टी का कोई भी अधिकृत प्रत्याशी नहीं है। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी अपने आप को गोंडवाना समर्थित कह रहे हैं पर उनके पास इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी का समर्थन भाजपा के साथ है। ये मामला लंबित है जिसके कारण हमने एक पत्र भी जारी किया था निर्वाचन आयोग को कि जिन जिन को जो धनुष आयाम की जो अपने आप को राष्ट्रीय मान रहे थे उन गुट के जो भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनको निरस्त किया जाए और निर्वाचन आयोग में उन्होंने शिकायत हमने जब की तो उस पत्र का उन्होंने संज्ञान में लिया और सभी के जो एवी फॉर्म थे निरस्त कर। कोई भी अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि अभी दो प्रत्याशी जो ऐसे हैं जो संतोषी डहरिया जी और तुकाराम दुर्गे जी अपने आप को अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी का समर्पित प्रत्याशी और घोषित प्रत्याशी बताया जा रहा है। अच्छी है ना, फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।